हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि सब लोग इंटरव्यू को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो आज का सेशन हमारे साथ एडम जुड़ी हुई है। जिस सेशन में हम एडम से बात करेंगे कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, साथ साथ उन्होंने जामिया में कैसे अपनी सीट्स को ऑप्टेन किया, किस तरीके से तो उन्होंने उस सीट्स के लिए फाइट किया था और उनके सीट्स में कितने लोग थे, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। साथ साथ उनको कहाँ से उन्होंने प्रिपरेशन की, क्या क्या उनको डाउट्स आए थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए एडम से के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो एडम, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी, मेरा नाम इरम फातिमा है और मैं यूपी के मुरादाबाद जिले से हूँ। मैंने अपनी 10th 12th की पढ़ाई वहीं से की है, अपने गांव से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है हिंदी लिटरेचर में। मेरे पास ग्रेजुएशन में डबल हिंदी थी, मतलब हिंदी लिटरेचर भी थी और हिंदी लैंग्वेज भी मैंने ली थी। उसके बाद मैंने MA किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। हिंदी लिटरेचर ही मेरा सब्जेक्ट रहा है। फिर उसके बाद मैंने जामिया से ये किया था, मास मीडिया हिंदी कराता है, मतलब PG डिप्लोमा जर्नलिस्ट। उसके बाद अब मैं BEd कर रही हूँ। तो मुझे अब एडम जी ये बताएंगे कि मतलब आपका पेडागोजी क्या है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। जी मेरा पैडागोजी हिंदी ही है फर्स्ट। मतलब आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आपका हिंदी है और सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या है? हिंदी सेकंड मेरा सोशल साइंस। और सोशल साइंस का आपका है। ओके, और जी आपने जी मीडियम क्या चूज किया था? मीडियम मैंने हिंदी मीडियम चूज किया था। हिंदी मीडियम चूज किया था। हिंदी मीडियम चूज करने का फिर कुछ फायदा ये भी है कि उसकी कट ऑफ कम जाती है, ये भी कह सकते हैं अगर कहें तो। सब्जेक्ट भी तो मेरा हिंदी ही है ना, तो हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है आपका, हिंदी बहुत। सब्जेक्ट है। जी तो आपने जो इंटरव्यू की प्रिपरेशंस की थी, आपने कहीं से आपने कुछ पार्टिकुलर आपने हेल्प ली थी या कोई आपके बैकग्राउंड पे था जिसने आपको मदद किया इंटरव्यू के लिए, या आपको कैसे मन किया बीएड की तरफ? ये होता है कि हाँ मुझे बीएड ही करना है आपसे, क्योंकि मास्टर्स भी आपने किया आप जैसा बता रहे हो। वैसे मेरा था कि मैं PhD करूंगी, बट ये था, सबने मुझे ये बोला कि PhD से ज्यादा बेटर BEd है, तो आप उस चीज पे फोकस कीजिए और अगर आपको PhD करना भी है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो फिर मेरे मन में यही था कि मैं BEd कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जॉब का था कि BEd कर लूंगी तो 2 साल बाद ही लग जाऊंगी कि हाँ कोशिश करेंगे कि जॉब का हो जाए। और PhD में फिर वही रहता है कि पूरा आपको 4 साल 5 साल देना ही पड़ता है। अच्छा, तो आपको इंटरव्यू आ रहे थे, जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए गई थी और इंटरव्यू के बाद उस टाइम पे क्या था, मतलब आपको कैसा फील हो रहा था समथिंग? टाइम तो घबराहट ही होती है क्योंकि इतने सारे बच्चे आते हैं और सीट्स तो कम ही रहती है, तो फिर वही माइंड में चलता रहता है कि होगा या नहीं होगा। तो ये चीज आपके थी इसमें कितने लोग आए हुए थे टोटल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसके बीच में आपके कॉम्पिटिशन था? मेरे। जी 28 को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो कितने लोग थे, मतलब कितने लोगों में सिलेक्शन किया गया था? जैसे इकोनॉमिक्स में 9 बच्चों को बुलाया गया था, उसमें 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, तो आपके हिंदी वाले में क्या कंपटीशंस था? मतलब 28 लोगों को जैसे बुलाया गया था, तो इंटरव्यू में दो दो लोग को बुला रहे थे। और उसके सिलेक्शंस कितने उसके का बाद जो हुआ? सीट थी 9 थी। जी अच्छा, 9 सीट्स थी टोटल। ठीक, मतलब 28 में से 9 को सिलेक्ट किया गया था, मतलब पर सीट्स पे 3 स्टूडेंट्स थे, मतलब एक सीट्स के लिए 3 लोग फाइट कर रहे थे। जी ओके, अच्छा ये मुझे आप बता सकते हैं कि इंटरव्यूज में जो पैनल्स थे उसमें टोटल कितने लोग थे? इंटरव्यू पैनल में 5 लोग थे, जिसमें से एक फौजिया नदीम मैम है हमारी कोऑर्डिनेटर। उसके अलावा जो 4 टीचर थे वो मेल टीचर थे, और उन 4 में एक तो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं जो कि ऑफिस में भी बैठते हैं सर। उसके अलावा जो 2 लोग थे, एक उबैस सर थे और दूसरे, उनको मुझे ध्यान नहीं इतना कौन से थे, वो उन दोनों का था कि मतलब भी जा रहा था, मतलब मैं मेरे टाइम में मैं बताती हूँ, उनका फोकस हम लोगों पर ही था जो इंटरव्यू देने मतलब गए दो थे। लोग ऑब्जर्व कर रहे थे आपको। 2 लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया था। उसके अलावा एक और टीचर थे, वो दूसरे डिपार्टमेंट से थे, तो क्वेश्चन सारे उन्होंने ही किए थे। उसके अलावा फौजिया नदीम मैम ने मुझसे मेरे बारे में पूछा था कि सबसे पहले तो जैसे मैं अंदर गई,
अंदर जाके मैंने सलाम किया, उस लड़की ने भी जो मेरे साथ गई थी, तो उन लोगों ने बोला बैठिए, फिर हम बैठ गए। तो पहले तो एकदम मतलब जाते ही घबराहट फील होना शुरू हो गया था, तो उन्होंने खुद बोला अरे टेंशन मत लो, आराम से बैठो। फिर थोड़ा रिलैक्स किया, 1 मिनट दिया गया था इसके लिए। फिर उसके तो बाद 1 मिनट आपको फौजिया रिलैक्स नदीम मैम ने करवाया गया, मुझसे बोला 1 मिनट आपको रिलैक्स करवाया गया। तो उसके बाद फौजिया नदीम मैम ने बोला मुझसे आप अपने बारे में बताइए। मैंने उनको अपने बारे में बताया जो बेसिक था कि मैंने कहाँ कहाँ क्या स्टडी किया है, नाम मेरा, मैं कहाँ की हूँ। तो आपने इंग्लिश में बताया या उसके हिंदी बाद में बताया? नहीं, मैंने हिंदी में ही बताया था, ये मैं पहले ही सोच कर गई थी कि मतलब इंग्लिश में थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने हिंदी में ही किया था। फिर मतलब कोई उसके बाद बैरियर जो नहीं है। लड़की तो थी मेरे साथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कॉन्फिडेंस से बताइए, चाहे आप हिंदी में बताइए चाहे इंग्लिश में बताइए, मेरे बराबर में जो थी साथ मेरे गई थी उनसे भी यही क्वेश्चन किया गया था। पहला सवाल ये होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब कि आप हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, उर्दू में जी बताओ, किसी में भी बताओ, है ना? देन आफ्टर आपके उससे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ फिर? देन आफ्टर आपसे कितने सवाल पूछे गए, क्या पूछा गया? हाँ उसके बाद फिर जो सर थे उन्होंने ये पूछा कि क्या पढ़कर आए हैं आप। पहले उन्होंने लड़की से पूछा था जो मेरे साथ गई थी, तो उन्होंने बता दिया था वो पढ़कर गई थी लिटरेचर। तो उन्होंने ये बोला कि मैं प्रेमचंद पढ़कर आई हूँ, और भी मैंने पढ़ा है मतलब और लेखक के बारे में। फिर उन्होंने मुझसे पूछा सर ने इरम आप क्या पढ़कर आई हैं, तो मैंने बोला सर मैंने थोड़ा लिटरेचर में भी पढ़ा है और थोड़ा ग्रामर में भी, बट ज्यादा फोकस मैंने ग्रामर पे किया था। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद उस लड़की से क्वेश्चन किया, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया उन्होंने, अलग से कुछ नहीं, जो उसने बताया था तो उसने आंसर दे दिया था। फिर मेरे को बोलने लगे, मुझसे पूछा था सर ने कि अलंकार बताइए, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने उनको आंसर कर दिया था कि सर अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने उसी में से कर दिया मुझे कि दोनों में क्या 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 डिफरेंस है, मतलब शब्द अलंकार और अर्थालंकार में क्या है, तो उसको भी मैंने सर को बता दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया उस लड़की से जो मेरे पास थी, तो उसके बाद उन्होंने भी जो उन्होंने आंसर नहीं किया था उस क्वेश्चन का जो उनसे पूछा था, और मतलब वो आंसर मुझे भी नहीं आता, सर ने काफी टफ ये कर दिया था क्वेश्चन, तो मुझसे उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस उसी से पूछा था उसका। फिर मेरे पास मेरे मुझे दोबारा से क्वेश्चन किया उन्होंने, उन्होंने बोला कि ये बताइए आप शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं, तो जो मैन मैन होते हैं मैंने सर को वो बता दिया था, अर्थालंकार के बारे में भी उन्होंने पूछा, तो जो मैन मैन होता है वो मैंने उनको बता दिया था। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया, ये शब्द अलंकार से पूछा था सर, अर्थालंकार से पूछा था सर ने, उन्होंने ये बोला कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दीजिए आप मुझे, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की, वहां मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि एक ही जगह से सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं मतलब आप एकदम जिस पार्ट को कंफ्यूज हो गई, तैयार कर मतलब आप मतलब जिस रुके पार्ट भी को नहीं तैयार वो होकर जा रहे हैं लगातार। वहीं से वो सवाल पूछ रहे हैं, और उसके जितना डीप वो जा जी सकते हैं वो डीप जा रहे हैं। मींस कि जो भी वही बच्चे डीप हैं जिस पार्ट का अगर वो नाम भी ले रहे हैं जा रहा तो उसका वो उनको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ओवरऑल बात ये है आपके पूरे बात की, है ना? जी। वहां मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वहीं से सारा क्वेश्चन हो रहा था, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की जगह मैं उपमा अलंकार की परिभाषा बता गई सर को, तो उन्होंने ये बोला कि गलत बताया है आपने, सोचिए, शायद उनको लग रहा होगा कि मैं पढ़ कर गई हूँ या मुझे आता है, बट उन्होंने मुझे 2-3 सेकंड का टाइम दिया सोचने का, उसके बाद मैंने सही आंसर कर दिया था क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि शायद मैंने गलत बताया है। और जब मैं गलत बता गई थी तब वही क्वेश्चन सर ने उस लड़की से पूछा जो मेरे बराबर में थी कि आप बताइए चलिए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं आता, तब मुझसे बोला सर ने आप सोच के बताइए
आपने गलत बताया है। फिर मैंने उनको सही आंसर कर दिया था सोच के वहां। फिर उसके बाद उसी में से फिर क्वेश्चन किया, मतलब उस लड़की से फिर क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि बीच में ये हुआ था, वही क्वेश्चन जो कर रहे थे सर वो रुक गया था उसी टाइम वहां, क्योंकि मैम ने बोला कि उस लड़की से कि आपका तो नहीं हो पाएगा, तो एकदम वो घबरा गई थी कि मैम क्यों नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि आपने जो है हिंदी में फॉर्म फिल किया है, बट वो DU से थी तो उसने हिंदी 2 साल पढ़ी थी बस, उसने दो मतलब साल फर्स्ट पढ़ी ईयर में थी। और सेकंड ईयर में। जी, फाइनल में उसके पास हिंदी नहीं थी बट उसने हिंदी में ही फिल किया था, तो मैम ने ये बोला कि ऐसे नहीं हो पाएगा, आपके पास फाइनल में भी होना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे से क्वेश्चन किया गया कि अलंकार जो आपने बताया उत्प्रेक्षा अलंकार की एक परिभाषा दीजिए, नहीं सॉरी परिभाषा नहीं उदाहरण बोला था उन्होंने, तो उन्होंने उदाहरण पूछा मुझसे, तो मैंने उनको उदाहरण बता दिया था, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, ये मैंने उनको पूरा बताया था। फिर उसके बाद सर ने ये क्वेश्चन किया मुझसे, जो गात आता है लास्ट में श्याम सलोने गात, गात का अर्थ बताइए मुझे, तो उनको मैंने उसका अर्थ बता दिया था क्योंकि मैं अच्छे से करके गई थी तैयार। फिर ये क्वेश्चन तो बस वहीं तक, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था। फिर मतलब मैम ने, आपसे फौजिया बहुत नदीम सारे मैम क्वेश्चंस ने, पूछे गए इंटरनली, उसके आसपास भी कितने आपसे पूछे गए, ये सब क्या क्वेश्चन तो बता रही थी अलंकार से ही जब शुरू हुआ था तो उसी से किया गया था। फौजिया नदीम मैम ने क्या किया? फौजिया नदीम मैम ने मुझसे पूछा कि मतलब कितने साल आपने हिंदी पढ़ी है, तो मैंने उनको बताया मैम 5 साल पढ़ा है मैंने हिंदी को मेन सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी हिंदी से ही और MA भी मेरा हिंदी से ही। तो मतलब आपको बाहर आने के बाद आपको क्या लगा, इतने सारे सवाल आपसे पूछे गए, आप बहुत ज्यादा वो भी हो गए थे, कंफ्यूज भी आप हुए थे, तो आपने कंफ्यूजन को तो आपने डील आउट कर लिया वहां पे कि किस तरीके से आपने डील आउट किया, उसके बाद भी आपको सिलेक्शन हुआ, मतलब टीचर्स को आपके कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें आपको लगी नहीं, जैसे मतलब टीचर ने आपको कंसिडर किया, तो आपको बाहर आने के बाद क्या लगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो बाहर पाएगा? आने के बाद जी मुझे ये तो फील हो गया था कि जो मेरे साथ गई थी उनका तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वही उनको मना कर दिया था, तो मुझे एक लग रहा था कि शायद मेरा हो जाए, क्योंकि हम अच्छा दो लोग मतलब गए कि थे। फिर दो ये लोगों हो के रहा बीच में था ना कंपटीशन चल रहा था अंदर, मैं ऐसा कुछ सीन था कि दो में से एक उस कौन सा टाइम में किसी और से कंपटीशन कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि जो मेरे साथ था मैं उसी से कर सकती थी उस टाइम। तो लेकिन उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया था मैम ने कि टीचर क्यों बनना चाहते हो आप, DED ही क्यों करना है आपको, तो उनको मैंने बताया था कि मतलब मेरे अम्मी स्कूल चलाती हैं, हमारा गांव में स्कूल है मैम, तो फिर उन्होंने खुद ही ये सुन के बोला अच्छा वहीं आपको उसी स्कूल में जाना है BED करने के बाद, उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं। मैंने बोला जी, तो उनको अच्छा लग रहा था सुन के। कि मतलब कि अगर आप किसी चीज को लेकर के अगर आप हैं तो उस चीज को लेकर आप जेन्युइन रहें, अगर आप कोई भी बात कह रहे हैं तो हाँ उसमें थोड़ी जेन्युइन। जेन्युइनिटी आपकी दिखनी चाहिए कि हाँ यू आर जेन्युइन रिगार्डिंग दैट, अदरवाइज अगर आप उसके बीच में जेन्युइन नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आपके नॉलेज को तो चेक कर चुके रहते हैं पेपर में, वो आपकी वहां फिर पर्सनैलिटी को उनका देखते हैं। उसके बाद ये पूछा गया कि आपने MA के बाद फिर ये जर्नलिज्म क्यों किया, तो इसको भी मैंने बोला था कि मैम इससे भी मुझे काफी सीखने को मिला है जो मेरे टीचिंग में काम आएगा आगे, और ये करने का मुझे शौक था क्योंकि AMU में हिंदी में नहीं होता जो मास मीडिया कराते हैं, और मुझे पता लगा था MA करते हुए कि जामिया में PG डिप्लोमा होता है एक जर्नलिज्म हिंदी से कराते हैं वो, तो मैंने पहले ही सोच के रखा था कि ये मुझे जरूर करना है, क्योंकि मुझे शौक था कि लिखती हूँ मैं, लिखने का शौक है मुझे, तो इसलिए मैंने ये किया है, बट करना मुझे BED ही है, मुझे टीचर बनना है आगे। मतलब आप जिस भी कोर्स के लिए जा रहे हैं आप उस चीज को तो बहुत जरूरी से मेंशन करें कि हाँ जो भी आपको करना है वही करना है, अगर आप कह रहे हो बीएड है तो मुझे बीएड ही करना है। और मैंने उनको फिर ये भी बताया कि मैम मैं BA के बाद भी चाहती थी BED करना, बट BA के बाद मेरा वेटिंग में हुआ था, मैंने AMU करी था, क्योंकि हम अलीगढ़ उस टाइम तो इतना वो नहीं था,
कि जामिया के बारे में हमें पता हो, वहां क्या क्या कराया जाता है। मतलब जामिया का तो इतना नहीं था, अलीगढ़ का ही था, वहां सब पता था मुझे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। तो जो बीए के बाद मैंने बीएड का दिया था, तो वहां मेरा वेटिंग में हुआ था। अगर क्लियर भी होता तो मैं बीएड ही करती, बट एमए में मेरा हो गया था, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं अब एमए कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने एमए किया था बीएड। और फिर उसके बाद मुझे ये पता लगा कि जामिया का बीएड बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए बस मेरी ये कोशिश थी कि मैं जामिया में बीएड में मतलब आप जिस आ जाऊं। इंस्टीट्यूशन में कैसे जा वो रहे हो उस इंस्टीट्यूशन की आपको थोड़ी तारीफ तो करनी है कि हाँ, बिकॉज मैं यही आना तो चाहता करनी, हूँ। उनको बस ये दिखाना है कि बस मुझे ले लो किसी भी तरह, ओके, मतलब कोई बस भी बच्चे अगर लेकिन यहाँ आ रहे पॉजिटिव हैं, रहो। हाँ मतलब कि उनको ये चीज आपको फील करना होगा कि हाँ आप यही करना चाहते हो। अगर आप बीएड के लिए आए हो तो बीएड ही करना चाहते हो, अगर आप डीएलएड के लिए इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो आप कहो कि मैं डीएलएड ही करना हाँ, चाहता डीएलएड ही करना। हूँ। ओके फिर एक जो सर आए थे बाहर से, उनका ये क्वेश्चन था मुझसे कि इंट्रो वगैरह सब दे चुकी थी, सब उनको पता था, बट उन्होंने फिर ये किया, ये पूछा कि अच्छा ये बताइए जामिया से क्या किया है आपने। तो फिर मैंने उनको वही बताया, मैंने पीजी डिप्लोमा किया है अभी जामिया से। तो बोले ठीक है, बस तो इतना ही इसका हुआ एक था सवाल हमारा का जवाब इंटरव्यू। ये भी हो सकता था कि जैसे आपने जर्नलिज्म किया था, तो कुछ बच्चे अगर ऐसा कुछ करके आते हैं तो ये कह सकते हैं कि मैंने जर्नलिज्म के थ्रू सीखा है कि गांव के बच्चे की सिचुएशन अच्छी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई राइट नाउ आई एम स्विचिंग टुवर्ड्स एजुकेशन की भाई पहले मैं बच्चों डर की। रही थी इस चीज को लेकर, क्योंकि मैं ये सोच रही थी, मैंने सबसे ही पूछा था कि यार मैं मतलब नहीं बताऊंगी, एमए के बाद बोल दूंगी, मैं अब बीएड ही तैयारी कर रही थी या जो भी, और मैं जर्नलिज्म का हटा दूंगी इंटरव्यू में। तो सबने मुझे बोला नहीं ये गलत कर रही हो, आप बताना उनको कि आपने ये किया है। उसको मतलब आप जेन्युइन रहे सबने और मतलब अब बताया अगर कि आप कोई उसको बात, मतलब पॉजिटिव ले जाओ आप, कि हाँ उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा है कि आगे टीचिंग में जाना है आपको। जर्नलिज्म में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको आगे टीचिंग में काम आएंगी, सोसाइटी के बारे में सीख ये पाते हो, चीज। आप लोगों के बारे में जान पाते हो, आप गांव वगैरह में जाते हो, स्कूल्स गए या आपने वहां हाँ देखा, सोसाइटी को आपने ऑब्जर्व किया, तो ये सारी चीजें हैं जो एक बच्चे अपने तौर पे बोल सकते हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो कहाँ से की थी, मतलब कैसे की थी, क्या कोई बैक सपोर्ट था, कोई सीनियर्स थे, या किसने आपको कहा था, सब कुछ सपोर्टिंग आपको मिला था इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप बता रहे हो आप अलीगढ़ से आए थे, अलीगढ़ से आप जामिया आते हो और जामिया में आकर के आप एक न्यू कोर्स में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, और फिर उसके बाद आपके लिए यहाँ सारी चीजें नहीं है क्योंकि अलीगढ़ एक कम्प्लीट अलग तहजीब का शहर है, और दूसरी तरफ आप जामिया में आ रहे हैं जो एक ओपन मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करने को आपको मिलती है, आप एक बात करो सोसाइटी के बारे में, तो आप जब यहाँ आते हो तो आपको कैसे पता चला, उसके बाद आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की, कि आपने तो बता दिया कि मुझे ऐसे पता चला एंड ऑल सारी चीजें, बट आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन किससे की, किसने हेल्प किया आपको। इंटरव्यू के लिए तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर तो वीडियो उठाया था, क्योंकि काफी चीजें मैं पहले से भी देखती थी, और आपके चैनल से भी मैंने देखा था स्टडी बडीज से। और इसमें इंटरव्यू की जो भी वीडियोस होते हैं उनको मैं एक एक दो मतलब दो दो तीन तीन बार देख लेती थी, कि किस तरह से क्वेश्चन किए गए थे, कैसे जाना है हमको, ड्रेस वगैरह कैसा होना चाहिए। और कुछ मेरे सीनियर भी थे एक दो लोग, उनसे भी मैंने बात की थी, तो वो लोग भी मेरा इंटरव्यू लेने लग जाते थे। तो अपने खुद की भी प्रैक्टिस करो आप, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मतलब जो भी अब इंटरव्यू में जाएगा तो आप प्रैक्टिस करिए बोलने की, क्योंकि ये होता है हम हमें चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो पर वहां जाके थोड़ा बंदी हो जाती है बोलती, 5 लोग होते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इतने सारे बच्चे होते हैं उनको देख कर ही। तो आप पहले से तैयार रहो कि आप 6 लोगों के सामने बैठ के बोल सको, ये चीज मैंने की थी। तो फिर उसमें कमियां निकलती थी काफी, कि तुमने ये चीज नहीं बताई, ऐसे करना चाहिए था, तो वो चीज मैं दोबारा से अच्छे से कर लेती थी। अगर मतलब किसी बच्चे को अगर कुछ भी डाउट है अगर इससे रिलेटेड, तो मतलब वो किसी से पूछे, किसी से जानने की कोशिश करे, तो हाँ बच्चों अगर आप लोगों के पास भी अगर कुछ डाउट है अगर इस तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछो, वी विल ट्राई टू आंसर योर ऑल द क्वेश्चन, अगर आपको कुछ भी डाउट अगर आता है इससे रिलेटेड। इसके अलावा मैं आपसे आप जानना चाहूंगा कि आपने जो बच्चे भी जो जी नए आने वाले हैं उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहोगे जो उनके लिए हेल्पफुल, एनी सबसे टिप्स। पहले तो यह है कि
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपका ड्रेस हो, ड्रेस कोड मतलब ना ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनको लगना चाहिए एक टीचर है सामने बैठा हुआ, जो फ्यूचर टीचर है, तो ज्यादा भड़कीले ऐसे कलर ना हो, सिंपल जाओ अच्छा, आराम फंकी से, आपको बन के नहीं जाना है, आपको बहुत सिंपल जाना है बिहेवियर बनके ही के जाना पीछे। है। ओके हाँ, क्योंकि जैसे चलाओ। जब मैं गई थी तो मैंने पूछा था अपनी एक सीनियर से कि आप ड्रेस का भी कुछ होता है क्या, तो उन्होंने बोला था हाँ मतलब सिंपल चले जाओ आराम से, ज्यादा भड़कीला नहीं होना चाहिए। तो मैंने व्हाइट कुर्ती पहनी थी, उसके नीचे जीन्स पहना था और दुपट्टा ओढ़ा था, स्टोल भी डाल सकते। इसके अलावा कुछ टिप्स जो बच्चों के लिए हेल्पफुल है खासतौर पर? उसके अलावा यही है कि आप जैसे मेरी वीडियो है या और किसी की भी है तो देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन जो है उनको तैयार कीजिए, फिर उनको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बोलना आएगा, और वहां पे जाकर इससे ये होता है कि आपको जैसे क्वेश्चन किया आपको नहीं भी आता तो आप अगर मना भी करेंगे, मना भी कॉन्फिडेंस से करिए कि आपको नहीं आता, जरूरी नहीं है कि आप गलत आंसर दे रहे हो उनको, क्योंकि गलत आंसर देने से तो उनको भी पता है कि हमें भी पता होता है कि हम गलत दे रहे हैं आंसर, बट सामने वाले को पता चल जाता है कि इसने अगर गलत आंसर दिया है तो इसको आता है या नहीं आता। ये चीज है, मतलब कॉन्फिडेंस रहना है आपको, आपको गलत अगर आंसर नहीं बिल्कुल भी देना। नहीं आता, आपको बिल्कुल नहीं आता आप मना कर दीजिए, और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा या कंफ्यूज है आप तो दे सकते हैं, कोई नहीं, बट सामने वाले तो समझेंगे ही मतलब पढ़कर आए या नहीं। और एक चीज सबसे बड़ी, अगर आप एक चीज तैयार कर रहे हैं हिंदी में, जैसे मैं बताती हूँ, अगर आप लिटरेचर भी तैयार कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए। अगर आप वहां जाके ये भी बताएंगे कि प्रेमचंद आते हैं, प्रेमचंद को पढ़ा है मैंने, तो प्रेमचंद के इतने सारे, पूरा एकदम बहुत बड़ा एक युग ही है प्रेमचंद का, तो कहीं से भी उठा के कर देंगे वो तो क्वेश्चन। तो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये नहीं है कि आपने बोल दिया वहां जाके आप प्रेमचंद को पढ़ कर आए और आपसे क्वेश्चन किया गया तो आपको आता नहीं, तो वो चीज एक निगेटिव वे में चली जाती है। और अगर आप ग्रामर पढ़ के जा रहे हो, मुझे लगता है ग्रामर ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसकी उसका सीधा सीधा रहता है जो भी है। आपने अगर अलंकार पढ़े तो परिभाषाएं याद करनी है, उनके उदाहरण, एक अगर उदाहरण उदाहरण जैसे याद करके जा रहे हैं आप अलंकार के, रस के या छंद के, तो उन उदाहरण का अर्थ जरूर याद करें। जो वो मैंने किया था रेडी, तो वही मेरा काम आया ना बाद में कि सर ने लास्ट में, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उदाहरण बताने के बाद उसके वर्ड का अर्थ पूछ लेंगे, तो वो पूछ सकते हैं, हर वर्ड का आपको अर्थ आना चाहिए। कि मतलब आप जो भी चीज़ आप बोल रहे हो आपको उस चीज़ को लेकर के क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी सवाल से वो आपसे पूछे जा सकते हैं वहाँ पे। तो बच्चों का ये बिल्कुल चीज़ क्लियर पूछे जा होना सकते चाहिए कि मतलब उनको सवाल कहाँ हैं, से पूछा स्ट्रांग हो जाएगा। आपका, मतलब कहीं से भी पूछ लेंगे, बस आपका अगर एक पार्ट आप याद करके जा रहे हो तो उनको भी सामने से लगना चाहिए कि हाँ अच्छे से किया है। अगर वो 7-8 क्वेश्चन करेंगे वहां से और आपने 3 नहीं भी बताए, 5 बताए, तब भी ठीक है, बट ये है कि अगर वो 5 क्वेश्चन कर रहे हैं उसी जगह से और आप सिर्फ एक बता रहे हो, 4 का आंसर नहीं बता रहे, तो वो भी सही नहीं है ना, मतलब अच्छे से करिए जो भी है। थैंक यू एडम, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताई, बहुत ही गहराई से आपने बताया कि कहाँ कहाँ सवाल पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, खासतौर पे हिंदी मीडियम वालों से क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उनके सवाल काफ़ी जी ज़्यादा अलग भी होते हैं, डिफरेंट्स होते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में बहुत डिफरेंट आ जाते हैं। तो हमें ये चीज़ बहुत जान के खुशी भी हुई, और साथ साथ जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उन्हें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू एडम फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप यू ऑल गाइज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।